14 ऑक्टोबर 1956 साली याच नागपूरच्या नागभूमीवर बाबासाहेबांनी आम्हाला बुद्धाच्या ओटी टाकला, बुद्धाचा धम्म दिला. ती सिच्युएशन, तो प्रसंग इथे मांडतोय. माझे गुरुवर एक रीतीनंजी गजबे लिहितात की धम्म किया निर्माण बुद्ध ने, धम्म किया निर्माण बुद्ध ने, इसका भी तो कारण है. जिसमें सलामत है मानवता और दुख का निवारण है. धम्म किया निर्माण बुद्ध ने, इसका भी तो कारण है. जिसमें सलामत है मानवता और दुख का निवारण है. भटक रहा है जमाना जिस सच्चाई के तलाश में. कीर्तिनंद उस शांति का बुद्ध ही पहला और बुद्ध ही अंतिम उदाहरण है. तो मंजर रख रहा हूं, जब धम्म सोहड़ा हुआ था, धर्मांतरण हो रहा था, तो बाबा साहब बोल रहे हैं क्या. मैं ज्यादा प्रबोधन नहीं करूंगा, शेरो शायरी भी नहीं करूंगा, गाना सुनिएगा. बुद्ध शरण है जनहितकारी, बुद्ध शरण है जनहितकारी, हर मुश्किल का बुद्ध शरण है जनहितकारी, हर मुश्किल का हल. तो भाई मेरे दीक्षा भूमि पर, तो भाई मेरे बुद्ध शरण. Yeah.
तो भाई मेरे बुद्ध शरण में, अपना पराया कोई नहीं है, 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 सबके लिए है सपना, प्यार का सागर, ऐसा बहता, प्यार का सागर ऐसा बहता, मन सबका है रमता हो, सबको भाता, है तो भाई मेरे बुद्ध शरण में, आपने हमें बुद्ध की दीक्षा क्यों दी, बुद्ध का धर्म क्यों दिया? अज्ञानता है, अज्ञानामुळे निर्माण होतो। मराठीतनं चार ओळी आठवल्या की काय कामाचे ते दूध ज्या दुधाला साय नाही, काय कामाचे ते दूध, अरे ज्या दुधाला साय नाही
आणि मायेची भूक विचारा त्यांना ज्या लेकरांना माय माहिती मायेची भूक विचारा त्यांना ज्या लेकरांना माय नाही अंधश्रद्धेमुळे आणि अज्ञानामुळे हा देश ग्रासून गेला आहे बुद्धाशिवाय आता या देशाला तरणोपाय नाही कारण कातरणोपाय नाही बुद्धाच्या विचाराशिवाय प्रवर्तन कसे होईल सर निलेश भाऊ बुद्धाच्या विचाराशिवाय प्रवर्तन कसे होईल आणि चुकीच्या माणसाचे सांगा समर्थन कसे होईल वाचण्याची संस्कृती आम्हा बाबा भीमाने दिली मग नाचल्याने सांगा समाज परिवर्तन कसे वाचण्याची संस्कृती आम्हा बाबा भीमाने दिली आणि आज जर शैक्षणिक क्रांती झाली नाही तर आपण काहीच करू शकणार नाही मी जास्त बोलणार नाही माझा सिंगल प्रोग्राम जर असता तर मी पूर्ण विषय आणि प्रबोधन केलं असतं परंतु या चार ओळी मला प्रणयच्या आठवल्या 7 वर्षाच्या अगोदरची रायटिंग शायरी आहे जी मी बोलणार आहोत शैक्षणिक क्रांती खूप महत्वाची आहे प्रणय लिहितो की वैराच्या परवाटीचे दार लावून ठेवा शायद आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा सूरज नहीं सुना होगा कि वैराच्या परवाटीचे दार लावून ठेवा स्मारकाला भीमाचा हार लावून ठेवा अरे वैचारिक विद्रोह जर करायचा असेल तर नाही लेखणीच्या टोकेला धार लावून ठेवा विज्ञानापासून आपल्याला विज्ञानाकडे जायचं अज्ञानता आहे दुःख का कारण हम ही उस पे निवारण सन 56 को बाबा भीम ने पेश किया जो उदाहरण तो भाई मेरे निलेश भाऊ ये 4 लाइन सुन के जाना
ये समता सैनिक दल की आवाज है कि ये तथागत की जमीन हम वीरान होने नहीं देंगे। आहा, ये तथागत की जमीन हम वीरान होने नहीं देंगे और हम यहाँ दूसरा संविधान होने नहीं देंगे। ये तथागत की जमीन वीरान होने नहीं देंगे और हम यहाँ दूसरा संविधान होने नहीं देंगे, क्योंकि भारत का मतलब है इंडिया और इंडिया का मतलब है भारत। हम भारत को कभी हिंदुस्तान होने नहीं देंगे। मी थोडंफार लिहिण्याचा प्रयत्न केला होता याच्यात, परंतु पूर्ण कीर्तिनंजी गजबे साहेबाने केलं, म्हणून शेवट लिहितात ते, जो भी आया इस दुनिया में मौत से बोला छूटा, मौत से बोला छूटा, देखना मान और सम्मान के लिए फिर इंसान क्यों रुका, सम्मान पाने के लिए त्याग और संघर्ष करना पड़ता है। तथागताच्या चार आर्य सत्याप्रमाणे मरण हे परम सत्य आहे। जो भी आया इस दुनिया में मौत से वो ना छूटा, मान और सम्मान के लिए फिर इंसान क्यों रुका, क्यों अपने बनाए तो भाई मेरे बुद्ध सर में।